मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। डायघर पुलिस के हद में आने वाले दहिसर नाका स्थित ग्राम पंचायत भवन के पास से चोरों ने लगभग 18 लाख रुपए के नकदी के साथ साथ एटीएम मशीन भी उखाड़ ले गए। अब जरा सोचिए कि चोरों के हौसले इतने बुलंद थे कि एटीएम मशीन भी अपने साथ ले उड़े। आपको बता दें कि रविवार की रात लगभग 11:45 तक एटीएम से नकदी की निकासी का काम चलता रहा, मगर सोमवार की सुबह एटीएम पर जब कस्टमर पहुंचे तो वहां का नज़ारा देखकर दंग रह गए। एटीएम सेंटर का दरवाज़ा टूटा हुआ था और एटीएम मशीन भी गायब थी, जिसके बाद इसकी जानकारी डायघर पुलिस स्टेशन को दी गई और पुलिस ने बैंक को भी इसकी सूचना दी। डायघर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक चंद्रकांत जाधव ने बताया कि एटीएम में सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं था और सीसीटीवी कैमरा भी ठीक नहीं था। 4 घंटे तक चोर अंदर रहे और एटीएम मशीन उखाड़ कर अपने साथ ले गए, जिसमें 17,96,200 रुपये का उल्लेख है। सीसीटीवी ठीक ना होने की वजह से फुटेज से सिर्फ एक फ़ोटो ही मिल पाई है। वहीं ये भी जानकारी सामने आई है कि शिकायत के लिए बैंक का कोई भी कर्मचारी नहीं आया है। एटीएम का मेंटेनेंस देखने वाले बदलापुर निवासी मनीष लक्ष्मण जाधव ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है और डायघर पुलिस ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश में जुट गई है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि डायघर पुलिस जल्द ही इस मामले में बड़ा भंडाफोड़ करेगी। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।